क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस भवन को 3 जून 2000 को संभाला गया था, ये 25-30 साल पहले का नहीं, आपको असत्य तथ्यों के आधार पर अधिकारियों ने गुमराह किया है और आज को किया है। दूसरा मेरा अर्ज करना ये है, एनआरएचएम ने नकारा घोषित करने के लिए एक साल पहले लिख दिया, आपके डॉक्टर ने लिख दिया, इसके बावजूद भी पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग के बीच में फिर कलेक्टर बीच में आ गए, जबकि प्रश्न यह आने के बाद भी क्या करना चाहिए था माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए ये पूर्णतः जर्जर और बैठने योग्य नहीं है, उस पर अतिक्रमण हो रहा है और मैं इस विधानसभा के आने के 15 के पहले सत्र से अर्ज करता रहा हूँ, इसलिए मुझे प्रश्न लगाना पड़ा। कृपा करके कितने दिन में इस भवन को बना दो, संविधान के खिलाफ क्या कार्रवाई लोगे, नहीं ली गई, किस कारण से सरकार ने कार्रवाई नहीं की, ये भी जानकारी देंगे। समस्या का समाधान चाहते हैं, अपन क्या चाहते हैं सर? अध्यक्ष महोदय, ऐसा मैं निवेदन कर चुका हूँ कि अगर नकारा घोषित करने के लिए माननीय सदस्य, तो उनको आपको कलेक्टर के पास में दिखा देनी चाहिए, ताकि कलेक्टर पीडब्ल्यूडी से असेसमेंट करवा ले वे और करवाने के बाद में जो है एनआरएचएम को भेज दे, क्योंकि नवीन भवन का निर्माण हमेशा एनआरएचएम के द्वारा करवाया जाता है और किसी के द्वारा नहीं करवाया जाता। मरम्मत का पैसा अगर चिकित्सा विभाग पीडब्ल्यूडी को दे देता है तो पीडब्ल्यूडी करवा देती है, मरम्मत का सवाल नहीं जाता, इसमें कोई दो राय नहीं। व्यक्तिगत तौर पर मैं भी इसको जानता हूँ, इस भवन को अच्छी तरह जानता हूँ, 5 कमरे हैं, 2 कमरों में काम चालू है, 3 कमरे बिल्कुल नकारा है। एक भी कमरा मान सदस्य प्रश्न सीधा